हाँ ओके, सिर्फ मम्मी रेड चला के कलर। दिखाओ तब तो कहानी समझ में आए। क्या बात, क्या बात है मम्मी, क्या बात है। ओ भाई ये हुई ना बात। ग्रेवी देखिए कितना अच्छा दानेदार ग्रेवी। और मम्मी बहुत क्विक बनने वाला रेसिपी। हाँ बहुत क्विक, बहुत आसानी से, कोई झंझट नहीं, कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं इसमें, जो घर का सामान होता है बस आधा चम्मच। हाँ मम्मी क्या मसाले की जो मतलब हाँ, जो खुशबू आ रही है हाँ, और जो कलर दिख रहा अभी से, ओ देखिए हम सबको दिखा रहे हैं, एक न प्याज लहसुन कुछ भी नहीं रह गया, इतना अच्छा गल गया है भूजते भूजते में। क्या बना रही हो मम्मी आज? हम मटन बना रहे हैं। मटन? हाँ मटन, देखो मटन तो हम हमेशा बनाते हैं लेकिन ये होली के हिसाब से बना रहे हैं। ये बनाने में बहुत इजी है और बहुत स्वादिष्ट बनेगा, क्योंकि देखो तीज त्यौहार के दिन में काम बहुत रहता है, तो आराम से जो चीज़ बन जाए और टेस्टी तो होना चाहिए, क्योंकि खुद भी खाते हैं और मेहमानों को भी खिलाते हैं, तो देखो ये टेस्ट ऐसा होगा कि मेहमान तो पक्के ही याद रखेंगे क्या किसी के हमने मटन खाया है। क्या बात है। तो ये अब बहुत लोग का डिमांड भी था कि आंटी आप मटन होली के हिसाब से ज़रूर बनाइए। हाँ होली आ ही रही है। हाँ क्योंकि हम लोग के घर में मटन बनता है, तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो ज़रूर ट्राई इसको करेंगे, ठीक है, उनको बहुत पसंद आया, हम गारंटी से बोल रहे हैं कि उनको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए आधा किलो मटन है, इसको हम साफ़ सुथरा धो लिए हैं, पानी भी अलग कर लिए हैं। अब ये दो बड़े साइज का प्याज है, वजन में ये 200 ग्राम से 250 ग्राम तक हो सकता है, ठीक है। हाँ और इसमें एक तिहाई प्याज इसमें डाल देना है, अंदाज से एक तिहाई प्याज ले लें और इसमें हम डाल देंगे। आई एक चम्मची अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, देखिए आधा किलो मटन है उस हिसाब से एक चम्मच ये धनिया पाउडर है, एक चम्मच ये मिर्ची पाउडर है, आधी चम्मच हल्दी है, आई कश्मीरी मिर्च पाउडर है, ये ऑप्शनल है, डालना है तो डालिए और नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए एक तिहाई जीरा पाउडर है, आई 2-3 पिंच काली मिर्च पाउडर है। काली मिर्च भी है। हाँ अब इसको देखिए हम तेल में ऐसे अब 15-20 मिनट पहले तेल में हम घोल बना के रख दिए। क्या बढ़िया पेस्ट दिख रहा है मम्मी ये तो। इससे देखो कलर भी बहुत अच्छा आएगा और तेल में फूल गया है। हाँ। अब जाके ये लहसुन प्याज अदरक इस सब में मटन के पानी उनी के साथ फूलेगा तो इसका विशेष टेस्ट आएगा एकदम। अब देखो यही हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, जरूरत अनुसार नमक डालना है, ठीक है, मतलब पूरा नमक यही डल जाएगा, आप कहीं डालने की जरूरत नहीं, नहीं नमक है। हाँ, जो कम ज्यादा हाँ, तो अब इसको हम हाथ से मिला रहे हैं। मिलाओ जरा हाँ। मम्मी देखूं मैं, ओह लाल कलर जो है ना वो मटन के ऊपर चढ़ रहा है और हाँ, ये अभी से बेहतरीन दिखने हाँ, लग गया है। ये मटन को भी हम करीब 10-15 मिनट छोड़ेंगे। ये तो मम्मी काफी अभी तक का जो स्टेप है वो तो बहुत इजी है, बहुत इजी, पूरा मटन ही बनाना इजी है। और टेस्ट तो आपको फिर मेहमानों से आप पूछिएगा कि आपको पसंद आया, कैसा पसंद आया। चलो तो इसको छोड़ देते हाँ, हैं। इसको हम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब मटन को मेरिनेशन में रखे हुए करीब 20 मिनट हो गया है। अब देखिए हम सरसों तेल ले लिए, हम सरसों तेल में ही बना रहे हैं। देखिए एक चम्मच ये जीरा है, ये काली मिर्च है, ये जायत्री है, लौंग है और स्टार है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2 मिर्ची और 2 तेजपात है, इसको हम इसमें डाल देंगे। मम्मी बेसिकली खड़े मसाले। हाँ खड़े मसाले, इसमें मेरे को लगता है कि लाल मिर्च और तेजपात तो कॉमन है। हाँ और जो जो जिसको पसंद आए खड़े मसाले हाँ, डाल दे, जो नहीं पसंद आए उसको हटा दे। हाँ, जीरा जरूर डालना। हाँ जीरा जरूर, आँच को धीमा रखना है क्योंकि मसाला नहीं जलने देना है हमको, हल्का रोस्ट होने तक मसाला को हम तेल में रखेंगे। अब देखिए 2 प्याज में से जो डाल के बचा था ये है, अब इसको हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे सारा प्याज जाएगा। हाँ सारा प्याज यहीं जाएगा, जिसको जितना बनाना है एक तिहाई निकाल लेगा, बाकी सब इसमें जाएगा। देखिए इतना लहसुन, एक गांठ लहसुन इसमें है, हम डाल दे रहे हैं एक गांठ लहसुन। हाँ हाँ ये बेहतरीन खड़ा लहसुन। हाँ ये भुनेगा, इसका अलग स्वाद आएगा, ठीक है, ठीक हाँ। अब देखिए प्याज भुन गया है, तल गया है मम्मी। हाँ तल गया है, अभी अदरक हम घिस के रखे थे या कूट के, जो भी है इसको थोड़ी सा चला लीजिए ताकि ये भी भुन जाए, भुना हुआ के स्वाद ही बिल्कुल अलग होता है। अदरक गया मम्मी। हाँ अदरक पहले डालते तो चिपकता, चिपक जाता है इसलिए पहले नहीं डालते हैं। अब देखिए ये जो मटन मेरीनेट करके रखे हैं, आँच को कम रखिए, इसको डालना है हमको। अब इसको हम अच्छी तरह मिला देंगे, अब मिला के अब हमको इसको धीमी धीमी आँच पर भूनना है, जब तक धीमी हाँ, मतलब मीडियम और लो के बीच में रख के इसको हमको भूनना है, जब तक तब इसका, इसका पानी निकलेगा। हाँ, हाँ, प्याज का भी पानी आएगा। हाँ, कच्चा प्याज इसलिए तो थोड़ा डला है, और फिर वो उसका पूरा मसाला भुनेगा, मसाला भुनेगा। तो इसको बढ़िया भूनते हैं। हाँ बढ़िया इसको हम भूनते हैं। अब देखिए ये मटन हम धीमे धीमे आँच पर भून रहे थे, पानी काफी छोड़ दिया है मम्मी। मटन भी देखो कम हो गया, पहले ऊपर तक था, तो वो तो गलेगा ही ना, मटन तो पानी मतलब छोड़ेगा ही, प्याज भी पानी छोड़ा। अब देखिए ये मटन मसाला है, इसको हम बड़े चम्मच से 1 चम्मच डालेंगे,
क्या बात है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कि इसकी, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ रहता है ना हर जगह नहीं मिलता है। सही बात है मम्मी। हाँ तो हर जगह हर गरम मसाला नहीं मिलता। पीसेस भी मम्मी मैं देख रहा हूँ थोड़े छोटे छोटे हो गए। हाँ तो ये तो होंगे ना बेटा। हाँ। क्योंकि वहाँ वो पानी ऑब्वियसली रिड्यूस होगा, बाहर आएगा और वो नीचे सेट होगा। क्या बात है मम्मी। लेकिन तो अभी भुनेगा जब तक ये तेल सेपरेट ना होने लगे, ये सब पानी जल जाए फिर हम दिखाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल। अब देखिए मसाला मटन सब भून गया है, तेल सेपरेट हो गया है। कलर देखो मम्मी। हाँ कलर बहुत अच्छा आया है। अब देखिए ये तो ऐसे मटन मसाले में गरम मसाला रहते ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़े स्वाद को और तेज बनाने के लिए भाई लग नहीं रहे कि अभी निकाल के आधी चम्मच ये हम गरम मसाला डाल दिए। आधा चम्मच। हाँ मम्मी क्या मसाले की जो मतलब जो खुशबू आ रही है और जो कलर दिख रहा है अभी से, ओ भाई। देखिए हम सबको दिखा रहे हैं, एक न प्याज लहसुन कुछ भी नहीं रह गया, इतना अच्छा गल गया है भूजते भूजते में। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यही हमको पहले ग्रेवी डाल दे है ना। मन करे तो ऐसे ही खा लेना। नहीं यार मजाक कर रहा हूँ, अभी उतना पका नहीं होगा, अभी पकने में टाइम है। ग्रेवी तो देखो अपने अनुसार रखना है किसको कितना पसंद है। अब बस इसको मीडियम और लो के बीच में रखते हुए कल 5-6 सीटी लगाना है। मीडियम और लो के बीच में रखते। देखो ये भी मटन और वहाँ के पानी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने सीटी पर। लेकिन हमारे यहाँ तो मतलब 5 सीटी में गल जाता है। हाँ 5 सीटी में बन जाता है। तो हम सीटी लगा के मिलते हैं। हाँ देखिए अब 6 सीटी लगने के बाद हम गैस को बंद कर दिए थे, अब इसका प्रेशर भी खत्म हो गया है। दिखाओ मम्मी कैसा बन के आया, जरा देखिए तगड़ा बना है कि तगड़ा ही बना है एकदम ऑयल बढ़िया सा सेफ। हाँ, से तो चला के दिखाओ तब तो कहानी समझ में आए। क्या बात है मम्मी क्या बात है। ओ भाई ये हुई ना बात। ग्रेवी देखिए कितना अच्छा दानेदार ग्रेवी। और मम्मी बहुत क्विक बनने वाला रेसिपी। हाँ, बहुत क्विक, बहुत आसानी से, कोई झंझट नहीं, कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं इसमें, जो घर का सामान होता है बस। धुएंदार है मम्मी। तो ट्राई तो जरूर करना पड़ेगा लोगों को। ट्राई करना तो बनता है और ट्राई तो जरूर करना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। और हम कहेंगे कि इस होली अगर आपके यहाँ नॉनवेज बनता हो तो जरूर ट्राई करिएगा।